देश में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। बाइक सवार बदमाशों ने किन्नर की कार को रुकवाकर उससे 5 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदायूं के दातागंज में जम्मू कश्मीर के रहने वाली सायरा किन्नर अपने रिश्तेदार से मिलने आई थी। पीछे से आ रहे बदमाशों ने उसे रोककर उसके साथ इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। पहले बदमाशों ने उसकी कार पर तेल डाल दिया और फिर गाड़ी पर तेल पड़े होने का इशारा किया। जैसे ही सायरा ने बाहर निकलकर देखा, बदमाशों ने उसकी गाड़ी में रखा बैग उठाया और फिर वहां से फरार हो गए। बैग में करीब 5 लाख रुपए का सामान था। आकर मोटरसाइकिल छोड़ के मेरे से कह रहा है काफी पाइप फट गया आपका और ये गाड़ी नहीं चलेगी आपकी। मैंने उतर के देखा, इतनी देर में मेरा बैग लेकर भाग गया वो लड़का। उसमें क्या क्या माल था? क्या लड़का था उसमें 1.5 लाख रुपया था और जरूरी कागजात थे मेरे और 10 तोले कोई गोल्ड था मेरा। बात तो ये भी बाहर निकले और गाड़ी में इनका बैग रखा हुआ था, पलट के उन्होंने देखा तो बैग गायब था। वो लड़के लेके चले गए थे। बैग में बताया गया करीब 1.5 लाख रुपया था और सोने के कुछ गहने थे। कुल मिलाकर 4 से 5 लाख रुपए का सामान था और इनके मोबाइल भी गए हुए हैं। तो इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है और जो है जल्दी ही बरामदगी।